बहुत ज़्यादा करीब है। और अब इतने साल अगर हमने मेहनत करी है तो आज की बारिश का तो खैर कोई वो नहीं है, लेकिन थैंक यू कि आप सब यहाँ पर आए। एंड बहुत ज़्यादा बारिश है आई नो, लेकिन 13 जुलाई को सूरमा रिलीज़ हो रही है और एक बहुत ही मेहनत से और प्यार से हमने ऑलमोस्ट, हमको 2.5 साल लगे हैं मुझे कि मैं आज यहाँ बैठकर सूरमा की बात कर रही हूँ। सो आई थिंक होपफुली लोगों को पसंद आएगी। सर 2.5 साल की मेहनत और सिर्फ 2 दिन बाकी। यस सॉरी, डेट भी एकदम चुना है, 13 जुलाई 13 एंड 13th, मतलब फ्राइडे द 13th। इट्स थोड़ा सा कुछ ऐसे बहुत सारी कोइंसिडेंसेस लग रहे हैं, लेकिन एक सच्ची कहानी है, एक तरह से जो रियल लाइफ में जो हमारे हीरोज हैं उनको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। संदीप सिंह एक रियल लाइफ हीरो हैं। तो आज तक क्या होता है कि हम जो एक एस्पिरेशनल वैल्यू जो हम स्क्रीन पर देखते हैं उनकी होती है हीरोज़ की, जो फिक्शनल है, जो लिखा जाता है, लेकिन ये सच में एक लाइफ, इसने एक बहुत ही ड्रामेटिक लाइफ जी है कि आदमी को गोली लगती है और फिर वो वापस खड़ा होकर इंडिया का कैप्टन बनता है। सो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी थी। सो आई होप एवरीबॉडी लाइक्स इट। यू कैन कम विद लाइक यू नो लाइक अ बॉलीवुड डिफाइन एज अ आइटम सॉन्ग और ड्रामेटिक और रोमांटिक, मतलब मोबाइल में से भी आप आ सकते हो। व्हाई यू फील लाइक अ बायोपिक ऑफ दिस स्पोर्ट्स पर्सन? बायोपिक इसलिए चूज करी एक्चुअली, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी मैंने आज तक शायद इतनी ड्रामेटिक कहानी मैंने रियल लाइफ में नहीं सुनी, और वो भी अगर हम एक कंपेटिटिव स्पोर्ट की बात करें, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की बात करें, इस लेवल पे कि आप नेशनल टीम के कैप्टन बनते हैं और फास्टेस्ट ड्रैग फ्लिकर इन द वर्ल्ड बनते हैं, जबकि कि आपको कुछ साल पहले आप पैरालाइज थे, आप कोमा में थे, तो ये जो कमबैक है इतना स्ट्रांग था कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बैठ के सोचती भी ये कहानी मैं खुद लिख सकती थी। और ये सच्ची में एक आदमी को हुई है, उसने जी है ये ज़िंदगी। सो आई थॉट कि ये कहानी बहुत ज़रूरी कहानी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू टेल, एंड दैट्स द रीज़न वाई मैंने ये इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर सूरमा है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। यस, प्रोड्यूसर बनना बहुत मुश्किल काम है, एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सब लोगों को जोड़ना और सही लोगों को जोड़ना साथ में और उतना ही पैशन 2.5 साल तक कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है। बट आई थिंक जब चीज़ें ठीक तरह से हो जाती हैं तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। सो आई होप लोगों को पसंद आए, जिससे कि ये जो जर्नी थी 2.5 साल की, ये हम सबको लगे कि कुछ ना कुछ कहीं यू नो कामयाब हुए हैं। सो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अगर हम सोसाइटी में देखें, पीपल वॉन्ट टू सी ट्रू स्टोरीज, वी वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, यू नो ऐसा कुछ एक ट्रेंड है कि चाहे वो पॉलिटिक्स है या कुछ भी है, वी वॉन्ट टू नो वॉट द ट्रूथ इज। सो जब कहानियाँ सच्ची होती हैं, अपनी होती हैं, तो पीपल रिलेट टू इट मोर। सो ऐसी कहानियाँ लोगों को पसंद आती हैं। सो यस डेफिनेटली, एंड यू राइट, आई थिंक अक्षय हैज़ डन सम वेरी अमेजिंग फिल्म्स इन द पास्ट, यू नो वेरी गुड चॉइसेस। सो या आई होप सो दैट, क्या होता है कभी कभी कहानी आपको चुनती है, इट्स द अदर वे राउंड, यू नो यू हैव टू बी लकी इनफ। सो आई होप आई एम लकी इनफ, लेट्स सी। कंफर्टेबल तो बहुत छोटी बात है, आई थिंक मिस्टर संजय दत्त के बारे में जितना मतलब हम सुनते हैं, और ही इज़ लार्जर देन लाइफ, एक जो उनका पर्सोना है, पर उनके साथ काम करके इतना कंफर्टेबल लगा, इट फेल्ट लाइक होम लिटरली। वो इतने सिंपल एंड इतने हाउ डू यू से बहुत ही मॉडेस्ट एंड हम्बल हैं, ग्रेट ह्यूमन बींग, यू नो टू बी विद, इतना केयरिंग एंड जेन्युइनली केयरिंग, यानी कि ऐसे मतलब दिखाने के लिए या पोलाइटली कुछ कर दिया थोड़ा बहुत, ही जेन्युइनली केयर्स फॉर पीपल दैट ही वर्क्स विद, यू नो ही सच अ गुड पर्सन, सच अ गुड मैन। या थोड़ा सा बीच में हुआ था, यस लिटिल बिट ऑफ खींचातानी हो रही थी, लेकिन मेरे पार्टनर हैं दीपक सिंह, बिजनेस पार्टनर, एंड सोनी पिक्चर्स हैव बीन ऑन बोर्ड विद अस,
फ्रॉम डे वन. तो मतलब बहुत बहुत बड़ा एक थैंक यू टू सोनी फिल्म कि दे केम ऑन बोर्ड एंड दे हैंडल्ड एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली. जैसे आपने आपने कहा कि संजय देव लाइक ब्यूटीफुल पर्सन, संजय को देखी होगी आपने? नहीं नहीं देखी अभी. पर वो आई मीन वो ही बात कर रहे थे, मिस्टर संजय दत्त वाज सेइंग दैट बहुत अच्छी फिल्म बनाई है एंड ही वाज प्रेजिंग रणबीर. सो वी ऑल नो हाउ अमेजिंग ही इज. ही इज अमेजिंग. वाज इट डिफिकल्ट टू सेल दिस मूवी? थोड़ी सी बिगनिंग में मुश्किल थोड़ा हुआ था क्योंकि एक तो उस समय बायोपिक्स काफ़ी बन रही थी, तो एक वही होता है कि एक और बायोपिक एक और स्पोर्ट्स के ऊपर, वो भी हॉकी के ऊपर. अच्छा, हम संदीप सिंह को तो कोई जानता नहीं है, तो वो थोड़े से क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई थी इन द एंड. पहली बार आई वाज प्रोड्यूसिंग, तो थोड़ा वो होता है कि अच्छा आप तो एक्ट्रेस हैं अब आप, सो देर बट दैट्स ओके. आई थिंक कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना होता है अपने आप को एंड इफ़ द स्टोरी इज़ गुड इनफ देन यू नो. बट जी हम एक महीना पहले आ रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्म एक रियल स्टोरी है. आई थिंक गोल्ड इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, तो वो ड्रामेटाइज्ड है थोड़ी सी, लेकिन अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट है, सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिल्म टू वॉच.